हिंडाल को महान बरगमा की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंगरौली स्थित एनटीपीसी विंध्यनगर से निकलने वाली राख के परिवहन के चलते आए दिन ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे आम जनमानस का मार्ग बाधित होने के कारण निकलना मुश्किल हो जाता है। कल ही एनटीपीसी के अधिकारियों ने बड़े बड़े भाषण देकर पर्यावरण दिवस मनाया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विंध्यनगर के लोग ओवरलोड राख की गाड़ियों से परेशान है। ये गाड़ियां 20 सड़कों में खराब हो जाती हैं। बीते दिवस सेमरा बाबा मंदिर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर राख की ओवरलोड गाड़ी 20 सड़क में ही खराब हो गई। आए दिन गाड़ियां खराब होती रहती हैं और सड़कों पर घंटों जाम लगा रहता है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि हम लोग एनटीपीसी प्रबंधक को फ़ोन के माध्यम से शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर क्या वजह है कि ओवरलोड गाड़ियों पर एनटीपीसी प्रबंधन लगाम लगाने में नाकाम हो रहा है? वहीं सूत्रों की माने तो राख उपयोगिता विभाग के अधिकारी और ट्रांसपोर्टरों की मिली भगत से ये ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, जिससे एनटीपीसी विंध्यनगर के आसपास के ग्रामीणों का जीवन दुश्वार हो गया है। यदि समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो स्थानीय निवासी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।